तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं VVMI को प्रोग्रामिंग और VVMI को प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस तरीके से यूज किया जाता है ब्रेवर। तो वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे होता है हम चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ। तो मैं एक्सेल फाइल यहां ओपन कर लेता हूं। तो वेरिएबल्स में हमने डेटा टाइप्स के बारे में जाना था, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स की। और विजय जी मैंने आपको रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम डेवलपर टाइप में आते हैं और विजय पे जाते हैं, एक मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं और सब्जेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में, हम बहुत सारे जगहों पर आप देखा होगा मुझे कि डिम आर एज ए रेंज करते हो। तो क्या हुआ कि हमने आर नाम का रेंज डिक्लेयर कर दिया। यूज कब करते हैं? तो हमको वापस आना होगा अपने सिलेक्शन मेथड पे कि मुझे इस एरिया को सिलेक्ट करना है, राइट? तो ये हमारा, अगर हम बात करें इसमें, तो मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना था, क्या होगा, मुझे लिखना होगा वर्क बुक्स सिलेक्ट, मुझे इस रेंज को कॉपी करना है। मान लीजिए वर्क बुक्स बुक वन डॉट एक्सेलस Sheet one dot range A1 से लेके A1 dot current region dot copy करना। तो ये आपको, मान लीजिए इसको आपको तीन चार जगह पे इसको यूज करना है, तो इतना लंबा कोड आपको तीन चार जगह लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे रेंज कर देते हैं, और रेंज में हम करते हैं सेट आर इक्वल टू, इसको ले लेते हैं, उसके बाद अब नीचे मुझे कहीं भी करना होगा तो आर डॉट कॉपी। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे सेट लिखते हैं। चलो ये तो है कि चल सकता है, लेकिन एक और तरीका है। हमने याद होगा हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया था यहाँ पे कि डिम आर आर कॉमा सी एज ए लॉन्ग, हमने यहाँ लिखा आर आर इक्वल टू रेंज ए 65,000 dot and xls up dot root of cc equal to range xfd1 dot and xl2 left dot column। उसके बाद हम करेंगे seeds या वर्कबुक चाहिए तो वर्कबुक भी लेना पड़ेगा। वन डॉट रेंज रेंज यहां ए वन से स्टार्ट होगा कॉमा सेल्स आर आर कॉमा सी सी डॉट कॉपी डॉट सेलेक्ट, बस ये कर सकते हैं ना सर। तो इसको हम यहां सेट कर सकते हैं आर के ऊपर, सेट आर। अब इसमें ये जो ऊपर लिया हुआ आर आर सी सी, इसको भी हम कॉपी करके इसके अंदर, ये जो लोअर एक लंबी कोड जो हुआ एक बार हुआ, नेक्स्ट टाइम हमें तो सिर्फ आर चाहिए।
नेक्स्ट टाइम हमें क्या चाहिए, सिर्फ आर चाहिए। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो रेंज है उसको हम आर पे स्टोर कर देते हैं, उसके बाद हमें कहीं भी उसको यूज करना होता है, एक छोटा सा वो आर हम वर्ड यूज करते हैं। यही समझ में आया आपको? हाँ जी, मेरे पास खाली एक क्वेश्चन है, बताइए सेट आर इक्वल्स टू, जब आपने ये आरआर में ऊपर में रेंज दे दिया तो ये नीचे में फिर से आपने क्यों डाला है? मैं अगर ऊपर डाल दे रहा हूं तब तो यहाँ आरआर सीसी से हो जाएगा ना काम मेरा? आप किसकी बात कर रहे हैं? ये अभी जो आपने बनाया आर आर इक्वल टू रेंज ए 65,000, ये जब आप ऊपर में डिफाइन कर दे रहे तब यहाँ पर तो मैं आर आर और सी तो मैंने बता रहा, जब सेट करेंगे तो जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। ओके ओके, जिसमें एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ तो हम जस्ट इसको एक्सप्लेन आपको कर रहे थे। कोई डाउट नहीं इसमें सर? नहीं जी, अभी नहीं। चलिए आगे बढ़े। तो हम सिर्फ मतलब रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते, हम वर्कबुक को भी कर सकते हैं कि हमने यहां के डब्ल्यू एज ए वर्क बुक, उसके बाद हमने सेट कर दिया कि सेट डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक या कोई पर्टिकुलर वर्कबुक है वो यूज कर सकते हैं। जैसे बुक वन है, मैं इसी को ले लेता हूं, वर्क बुक्स से। मान लीजिए कि ये बहुत बड़े फाइल खूब कर रहे हैं, वो फाइल को कई बार मुझे आपको एक्टिवेट करना है, फाइल का नाम बहुत बड़ा है, तो उसको क्या करेंगे आप? डिम डब्ल्यू एज वर्कबुक और उस वर्कबुक को उस डब्ल्यू पे सेट कर देंगे। अब मुझे मान लीजिए उस वर्कबुक को सेव करना है, कॉल करना है, कुछ भी करना है, तो बस डब्ल्यू यूज होगा, डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट, डब्ल्यू डॉट यहाँ पे डब्ल्यू डॉट सेव, डब्ल्यू डॉट सेव एज, डब्ल्यू डॉट क्लोज। ओके, उस तरह से आप सीट को भी कर सकते हैं कि डिम एस एज ए वर्क सीट, सेट एस इक्वल टू आप कर दीजिए डब्ल्यू डॉट सीट स्वार, इस तरह से लिख सकते हैं। W की जगह पे कोई और दे, क्योंकि W यहाँ डिफाइन है इसलिए ले लिए, या फिर यहाँ पे वर्कबुक दे सकते हैं। उसके बाद S पे सीट के सारे रेफरेंसेस यहाँ पे आ जाए, तो कोई भी रेंज कोई भी चीजें कर सकते हैं। आगे चल के बताऊंगा मैं कि हम सिंपल कर सकते डिम सी एज ए चार्ट, सेट चार्ट, हम यहाँ पे चार्ट क्रिएट करने का एक कोड डाल देंगे, ठीक है, कि यहां पे एस डॉट क्रिएट चार्ट करके आता है, चार्ट प्रोग्राम प्रोग्राम हुआ, ठीक है। ऐसे डिम पी एज ए पिवट टेबल डाल सकते हैं, पिवट टेबल एक्सेस डाल सकते हैं, पिवट टेबल का फिल डाल सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं। यहां तक कि आप यहां पे कोई प्रोग्राम भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया कमांड कि पी आर इक्वल टू वर्क बुक्स डॉट,
यहाँ पे डॉट सेव एज, यहाँ पे पाथ दे दीजिए डॉट, और भी कुछ करना है आपको, रिनेम करना है, इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, पासवर्ड देना है कि भाई यहाँ पे पासवर्ड ए आ जाए डॉट, और भी जैसे जैसे बहुत सारी चीजें करनी हो वो इसके साथ कर सकते हैं, कोई काम भी इस पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देता हूं कि विथ, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया sheets dot add, अब यहां पे हम कर सकते हैं dot name equal to data, data नाम ऑटोमेटिक data कर देगा, date protect ऑटोमेटिक उसको प्रोटेक्ट कर देगा, पासवर्ड वन को डाल देता हूं dot, इसको hide and hide करना है, इसकी टैब कलर चेंज करनी है, तो ये सब चीज जो है ये ऐड होने के साथ ही कर देगा। ऐसा आपको कि नहीं? हाँ जी, और तो नहीं है? मुझे एक चीज बताएं, ये डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट से ये फाइल खोल देता है राइट? डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट नहीं 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 एक्टिवेट करता है ना, जैसे दो फाइल खुली है एक फाइल दूसरे अल्टर पे जाते हैं ना, समझे? कोई डाउट है इसमें? तो कहने का मतलब नहीं समझे कि आप एक ऑब्जेक्ट को भी किसी नेम पे सेट कर सकते हैं, उसका छोटा नाम बना सकते हैं राइट। दूसरा, एक प्रोसेस को, एक काम को भी कर सकते हैं, जैसे पिवट टेबल लगाना, चार्ट लगाना, सीट ऐड करना, ऐसे इवेंट को भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे चार्ट ऐड करते समय कई सारी चीजों पे वर्क करना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका यूज कर सकते हैं। अब कोई डाउट है तो बताइए सर इसमें। नहीं अभी तो मतलब देख के, मतलब जो बताए वो ठीक लग रहा है। इसमें सर बेसिकली हम लोग ये अपना फाइल का नेम या रेंज ये सब हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये डब्ल्यू डॉट एक्टिवेट या फिर डॉट नेम इस टाइप से करके हम लोग उस फाइल पे काम कर रहे हैं राइट। जो बार बार हम लोग को देना पड़ता है वो हम लोग नहीं दे रहे हैं। कर सकते हैं अब इसमें हम बात करते हैं एरे डेटा टाइप्स की। एरे को हालांकि आगे क्लासेस में मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, फिलहाल अब दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है यहाँ पे एरे। एरे क्या करता है, जैसे मान लीजिए मुझे 10 वैल्यू को स्टोर करना है राइट, तो मुझे यहाँ पे डिम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ इस तरह से असाइन करना पड़ेगा ना सर, या फिर अलग अलग मुझे लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सिंपल से यहां लिखें कि dim a ब्रैकेट में डाल दीजिए a, नहीं dim a तो ऑलरेडी डिफाइन है, o ब्रैकेट में 1 to 10 एज इन लॉन्ग। अब वैल्यू स्टोर कैसे करोगे, तो a ब्रैकेट 1 equal to 20, a bracket 2 equal to 30, समझ गए? तो
सेम कास्ट के, यहां ध्यान रखिएगा, सेम कास्ट के अगर आपको बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत है, मतलब पूरी पूरी सीट स्टोर करना चाहते हो, तो इसका यूज जो है हम लोग एरे के तौर पे करते हैं। तो एरे दो तरह के होते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। ये जो है हमारा सिंगल डायमेंशन, मतलब कि इसमें एक सिर्फ एक कॉलन है, कई सारे रो है बट कॉलन एक है। मल्टी डायमेंशन ये हुआ कि आप यहां पे लिखा डिम, मैंने यहां पे कर दिया डी डी 1 to 10 और कॉमा हमने लिख दिया 1 to 5, 1 to 10 एंड 1 to 5 एज ए लॉन्ग। अब यहां पे डी डी 1, 1 यहाँ पे 1 पहला रो पहला कॉलम इक्वल टू कुछ भी कर दीजिए यहाँ पे, जो भी अपना डेटा स्टोर करना है, फिर डी डी 1, 2 ये दूसरा कॉलम में जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन। मतलब कि अगर मैं समझाऊं तो ये ऊपर वाला क्या करेगा कि आपके बैकएंड में एक टेबल क्रिएट करेगा, इसमें एक कॉलम होगा लेकिन 10 रो होगा, हर रो का नंबरिंग कर देगा। जैसे सीट का नंबरिंग किससे होता है सर, ऐसे यहां पे 1 यहां पे 2 3 और इस तरह से होगा। और मल्टी डायमेंशन क्या करेगा कि एक टेबल बनाएगा और इस टेबल में उसने कितने 5 कॉलम कर देगा और 10 रो, ये हमारा मल्टी डायमेंशन। इसका यूज हम लोग यूजर फॉर्म पे ज्यादातर करते हैं, तो यूजर फॉर्म की आऊंगा तो इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। क्लियर है सर? हेलो, हाँ जी। अब जो है आप जो है इसका यूज कीजिए, मतलब जो वेरिएबल्स बताया है सारे वेरिएबल एक एक करके सारे वेरिएबल को यूज करिए, जहां कंफ्यूजन होगा आप उससे पूछिए। कल से हम बात करेंगे आपको कंडीशंस, इफ कंडीशंस हम कल से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, इफ कंडीशन कल की क्लास होगी, इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे मेरा एक डाउट था, मतलब अभी ये बता पाएंगे, जैसे ना मेरा एक ऑफिस का एक फाइल है, ठीक है, उसमें करीब 40-50 रो है और ये कॉलम, मतलब 40-50 कॉलम है, रो करीब है ना 800-900 है, ठीक है? तो वो मेरा एक डेटा आता है वो उस फाइल में डाल के ना, हमको पहले वो उसको मतलब ये फिल्टर लगाना पड़ता है, ठीक है, फिल्टर लगा के हमको वो उतना सिलेक्शन को कॉपी करके फिर हम लोग को पेस्ट करना पड़े, तो उसका मतलब कैसे करेंगे? वो मैंने ना मैक्रो के थ्रू, ये रिकॉर्ड मैक्रो के थ्रू करके कर रहा था, लेकिन है ना पता नहीं बार बार वो अटक जाता है। तो फिल्टर एक ही कॉलम फिल्टर कॉलम फिक्स है या कोई भी हो सकता है? नहीं, फिल्टर का कॉलम फिक्स है। और क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, मैं रिकॉर्ड मैक्रो के थ्रू किया था उसमें। हाँ, तो फिल्टर आपने लगा लिया, क्या दिक्कत क्या हो रहा है? अटक रहा है, मतलब कि काम नहीं चल रहा है, एरर दे रहा है? ये बीच में मतलब वो चल गया था, काम कर रहा था, फिर अचानक है ना मैंने उसमें फॉर्मेटिंग का भी लगाया था, जो आपने भी करके ये फॉर्मेटिंग वाला जो होता है ना ऑप्शन, वो लगाने जा रहा हूँ तो वो मतलब काम नहीं कर रहा है। और आप फॉर्मेटिंग फिल्टर पे लगा रहे हो कि कॉपी पेस्ट करने के बाद लगा रहे हो? ये कॉपी पेस्ट करने के बाद, जहाँ जहाँ पेस्ट करते हो वहां पे लगाते हो ना? हाँ, तो वही पे दिक्कत होगा। कोड मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा फोटो खींच के, देखते हैं। सर एक चीज बताइए ना, ठीक है मैं कल आपसे डिस्कस करता हूँ, मेरे को फिल्टर का एक चीज खाली समझना था। नहीं बस एक बात, मतलब मैं अगर ये कोई डेटा है, डेटा में मैं फिल्टर लगाता हूँ और फिर उसका मुझे सिलेक्शन करना, उसको मुझे बताइएगा ना कोडिंग कैसे करेंगे उसका? उसका सिलेक्शन करना है आपको, तो उसके लिए आप करंट डिवीजन यूज कीजिए और विजिबल सेल्स ओनली, विजिबल सेल्स ओनली। तो मेरा कहने का, जैसे कि हुआ ना, मान लीजिए है ना, तो आप यहाँ पे मान लो फिल्टर है आपका, इसमें कई सारे, मैं एक बार दिखाई देता हूँ, देखिए आपका फिल्टर है आपका, आपने कुछ कुछ ले रखा है, तो आप इसकी सिलेक्शन करना चाहते हो कॉपी करने के लिए, राइट? आप कीजिए कंट्रोल ए, कंट्रोल ए कर लिया करंट रीजन,
करंट रीजन करने के बाद आप कोड डालें किसका, विजुअल सेल्स का। यहाँ देखिए आपका विजुअल सेल्स का है ऑप्शन, तो क्या होगा कि जो सेल विजुअल है वही सिलेक्ट होगा, पीछे का हिडन सेल अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है समझ गए ना। हाँ तो करंट रीजन डालिए और क्या कर लीजिए, विजिबल सेल्स। हाँ विजिबल सेल्स ठीक है ओके बाय, मिलते हैं कल।